हेलो थिरन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए, और आप सभी लोग को बढ़िया नहीं भी होना चाहिए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट केयर, तुम बस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाकी तुम लोग कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे पता है, आज मैंने एक कहानी सुनी, वो कहानी मैं तुम लोग को भी सुनाना चाहता हूँ। और कहानी कुछ ऐसी है कि एक था राजा और एक थी रानी, और दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। कैसी थी कहानी बताओ यार, इससे छोटी कहानी कहीं मिले? अगर कोई बोले ना कि कहानी सुनाओ, यही कहानी चिपका देना उसे, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। आ जाओ पिछले एपिसोड की कहानी सुनते हैं। पिछला एपिसोड जो था वो ठीक ठाक था, अच्छा था, शानदार था, धमाकेदार था, क्योंकि मैं यही कहता हूँ, तुम लोग भी मान लो, भले बकवास था, क्योंकि हमने देखा हुआ होता है कि वहाँ पे हो रही होती है भाईयान वर्सेस इटर्नल फायर वर्सेस डेमोनिक फ्लेम। अब ये तीनों फ्लेमें एक दूसरे से लड़ रही थी, उसी बीच आ जाता है वहाँ पे फोर्थ योहाइनस। अब फोर्थ योहाइनस आ जाता है तो जो यार उससे लड़े कैसे, क्योंकि बंदा तो स्ट्रांग होता है, लेकिन वही इटर्नल फायर ने कर दिया होता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कैसी, उसने अपनी फ्लेम को रिलीज करके वन नहीं मतलब 1 लाख लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। अब इन्फेक्टेड करने के बाद उनकी जो कोई थी वो जोयान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। अब जियोयान की बॉडी के अंदर कोई ट्रांसफर हो रही थी तो जियोयान होता जा रहा था स्ट्रांग, और उसकी कोई सी के अंदर दिखाई देने लगते हैं ज़्यादा स्टार। जो देखकर फोर्थ योहाइनस भी हैरान होते हुए कहता है कि साला तुम 5 स्टार पे हो, 5 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर हो कि तुम 4 स्टार पे हो। जो देखा जो कहता है वो तो हमको नहीं पता, हमको इतना पता है कि हम तुमको पेलेंगे। जैसे फोर्थ योहाइनस का ईगो हर्ट हो जाता है, उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद हमने देखा होता है फोर्थ योहाइनस भी अपनी पावर को अनलेस करते हुए कहता है, ओ चप्पड़ गंजो, तुमने क्या सोचा, तुमने बस पावर छिपाई है, हमने भी छिपाई है। और अपने क्विसी को शो करता है जिसमें होते हैं 3.5 मिलियन क्वी स्टार। जो देखकर जॉन को भी समझ में आता है कि अरे जगावत, आई जगावत भाई। जो यान समझ गया था कि हम नकली वाले हैं, ये असली वाला है, इसे पेलने में मेहनत पड़ेगी। लेकिन अब ऑप्शन नहीं था ना भाई, क्योंकि अब लड़ाई हो चुकी थी, शकल पहचान चुका था, जानता था कि यही रीइंकार्नेशन है, इसीलिए पीछे भी नहीं हट सकता था जो यान। लेकिन एपिसोड में वहीं एंड कर देता हूँ, तो ये एपिसोड अब जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है। तो आओ देख लेते हैं कि क्या जियोयान फोर्थ योहाइनस की लंका लगा पाएगा या अपनी लगवा लेगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ पे योहान भाई अपनी ब्लड एनर्जी को अपनी बॉडी में फैला रहा होता है। उसके जो सिल्वर बाल होते हैं वो चारों तरफ चमक रहे होते हैं, और आँखों में ब्लड एनर्जी शो हो रही होती है, वो बिल्कुल डेथ गॉड की तरह लग रहा होता है। अब योहान भाई ने जियोयान के साथ बकवास करना बंद कर दिया था, और सीधा ही वो जियोयान की तरफ दौड़ पड़ता है। और हमें पता भी था कि योहान भाई को जियोयान ने काफ़ी बार हर्ट किया था, और बंदे के सेंटीमेंट जो थे वो हर्ट हो चुके थे। यहाँ पे पूरा का पूरा 10,000 मॉन्स्टर हिडन टेरिटरी ही हिलने लगता है, और योहान भाई सीधा ही हवा में गायब हो जाता है। उसी समय जियोयान के चेहरे पे थोड़ी सी घबराहट होती है, जिसके बाद जियोयान की फिगर भी कांपते हुए गायब हो गई होती है। और फिर इन दोनों की नज़र, फिर वो दोनों सबकी नज़र में एक जोरदार टक्कर के साथ टकरा गए होते हैं, जिससे एक बैंग के साथ शॉक वेव जनरेट होती है। इस टाइम पे इनकी जो फाइट थी इनकी एक्सट्रीम लेवल पे चल रही होती है, और ब्लड और फायर की टक्कर को सभी लोग देख सकते थे। और अगर ये लोग यहाँ पे दूर नहीं होते तो इस ब्लड और फायर से निकलने वाली शॉक वेव की चपेट में आकर ही इनकी लंका लगाई जा सकती थी। साथ ही कंटिन्यू फाइटिंग के बीच में ब्लड स्रॉड और फायर रूलर एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये लोग अपने मुख के लात से भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और जो लोग नॉर्मली देख रहे थे फाइट, वो केवल ये देख सकते थे कि ये आगे बढ़ते हैं पीछे हटते हैं, आगे बढ़ते हैं पीछे हटते हैं, साथ ही लाइट को साइन होता हुआ। साथ ही हर कोई जो फाइट देख रहा था, ऑब्वियसली उन्हें यह भी फील हो रहा था कि उनकी बॉडी की जो ऑरिजन को वो कंटिन्यू ऑब्जॉर्व की जा रही है। हालांकि क्वांटिटी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये उन्हें थोड़ा सा टेंशन तो दे ही रही थी। साथ ही उन्हें पता था कि इस फाइट के खत्म होने के बाद अगर जियोयान यहाँ से चला जाएगा तो जियोयान के जाने के बाद ऑब्वियसली उनकी खींचे जाने वाली जो एनर्जी वो गायब हो जाएगी। और इसीलिए क्योंकि अब इनके ऊपर कोई भी बड़ा खतरा नहीं था, तो ये 1 लाख लोग शांति से ये फाइट देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। इन्हें देखा था कि एक तरफ दो फिगर्स फाइट कर रही हैं तो दूसरी तरफ 3 अलग अलग हार्ट फ्लेम्स। हालांकि ये लोग नहीं जानते कि हार्ट फ्लेम क्या है, लेकिन ये केवल डेमोनिक फ्लेम को जानते थे, जिसे 10 कंप्लीट डेमन किंग के नाम से जानते थे, जिन्होंने उन्हें पपेट के तौर पर रिफाइन किया था। साथ ही कोई नहीं जानता था कि फाइट कितनी देर तक चलेगी, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने या पीछे हटने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि एक बार अगर ये डेमोनिक फ्लेम के कंट्रोल से बच गए, यानी कि हिडन प्लेस से निकल गए, तो वे निश्चित तौर पर मार दिए जाएंगे, क्योंकि इस डेमोनिक फ्लेम का उनकी लाइफ पर पूरा कंट्रोल होता है। इसलिए जब तक इनकी सोल के अंदर ये फ्लेम है, तब तक यहाँ से निकलने की ये हिम्मत नहीं कर सकते थे।
तभी अचानक ये चूतिया नहीं होशियार बंदा जो युआन भाई है अपने स्ट्रॉन्ग बैटल स्किल्स को शो करते हुए कहता है, रियल लेवल बैटल स्किल ब्लड ब्रेक डेमोनिक मंत्रा रियलम लेवल बैटल स्किल ब्लड डेमन कंडेंसिंग स्ट्राइक। ऑब्वियसली युआन भाई युआन के साथ लड़ते हुए फाइटिंग गॉडलाइंस की फुल रेपुटेशन और पावर को शो कर रहा होता है और लड़ाई के दौरान अपनी रियलम लेवल की बैटल स्किल्स को निकालता है। इसीलिए जो युआन ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि धीरे धीरे ये फाइट युआन के हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि जो युआन के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट था लेकिन युआन भाई की भी वीक पॉइंट युआन ने देखे थे जो कि उसकी वीक स्पिरिचुअल पावर थी। साथ ही वो बंदा ये भी जानता था कि स्पिरिचुअल पावर की वीकनेस ऑब्वियसली एक खतरनाक वीकनेस होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इसीलिए उसने पहले से ही युआन की स्पिरिचुअल पावर से बचने के लिए एक पिल को तैयार करके स्वेलो कर लिया था। इसलिए थोड़े टाइम के अंदर तो युआन की स्पिरिचुअल पावर उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती थी और वैसा कि एक डोमेन लेवल की स्पिरिचुअल पावर के साथ चूतिए का युआन भाई को हरा पाना अभी भी मुश्किल था क्योंकि फाइटिंग गॉडलाइंस द्वारा रिफाइन की गई कोई फील इतनी वीक तो नहीं हो सकती या कोई मामूली नहीं हो सकती। लेकिन युआन भाई को ये नहीं पता था क्या जो यहाँ निकलौता पर्सन नहीं है जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है जिया जेंग यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था और इसकी स्पिरिचुअल पावर के प्रोटेक्शन किसी भी गोली के प्रोटेक्शन को तोड़कर अपने निशान अंदर तक छोड़कर आ सकते थे और किसी की भी लंका लगा सकते थे। इसलिए जॉन तुरंत ही टेलीपैथी का यूज करते हुए जिया जेंगुई को एक मैसेज सेंड करता है और एक पावर युआन भाई की तरफ दौड़ने लगती है जिससे तुरंत युआन भाई के इंप्रेशन बदल गए होते हैं और वो तेजी से अपना सिर घुमाकर जिया जेंगुई की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर बेहद क्रूअल इंप्रेशन होते हैं और अचानक ही उसकी फिगर गायब होते हुए सीधा ही जिया जेंगुई की तरफ उड़ गई होती है जो देखकर जिया जेंगुई तुरंत ही कहता है, मरी गियो मोरा राम जी, मास्टर जी ओ मदद करो। हालांकि युआन भाई ने जिया जेंगुई को देखते ही अपनी ब्लड स्लॉट के साथ किलिंग इंटेंट उस ऑरे से उसकी खोपड़ी को उड़ाने के लिए उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जिया जेंगुई भी कोई बेवकूफ पर्सन नहीं था, उसने भी एक झटके में अपनी मदद के लिए जो युआन को बुलाना शुरू कर दिया होता है और जो युआन को पहले से ही युआन भाई से इस स्ट्रेटजी की उम्मीद थी। इसलिए जो युआन की पोजीशन जो कि जिया जेंगुई से करीब थी वो उसके चोट पहुंचाने से पहले ही जिया जेंगुई के पास पहुंच जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ को हिलाते हुए बाहर निकालता है। बाहर क्या निकाला है साला, राइटर भाई ऐसी अभद्र अपमानजनक बातें करता है, अब लिखा हुआ है हाथ हिलाते हुए बाहर निकाल लिया लेकिन निकाल क्या लिया ये नहीं बताया गया है। हो सकता है राइटर शरीफ मेरा ही दिमाग खराबी होगा, सुधर जा साले। लेकिन गलती है भाई राइटर की, तुम लोग बताओ यार राइटर की गलती है ना, सीधा लिखो यार बाहर क्या निकाला है, अब नींद नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या बाहर निकाला था। बात बात पे रोमांटिक हो जाता है राइटर बीच फाइट में। जो युआन को आता हुआ देखकर युआन भाई के पास स्टेबल खड़े होने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो जो युआन के आते हुए रूलर को देखते हुए तुरंत ही अपनी ब्लड स्लॉट को बढ़ा देता है लेकिन जो युआन नहीं रुकता और लगातार अपने मिस्टीरियस रूलर के साथ युआन भाई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही जिया जेंगुई को भी पता था कि युआन उसके लिए कुछ टाइम निकाल रहा है और यही वो टाइम है जब वो युआन भाई की सोल पर अटैक करके उसके सोल बैरियर को ब्रेक कर सकता है क्योंकि युआन भाई की स्पिरिचुअल पावर ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है तो इसी का तो फायदा उठाना था। साथ ही युआन भाई को भी अच्छे से पता था कि जिया जेंगुई की जो स्पिरिचुअल पावर है वो डोमेन लेवल पर पहुंच चुकी है जो धीरे धीरे उस पर इफेक्ट डाल रही है और भले ही वो पूरी तरीके से तैयार था वो दो डोमेन लेवल की स्पिरिचुअल पावर के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता था। इसलिए युआन भाई के आगे तुरंत ही कंडेंस होती है और वो तुरंत ही कहता है हमें जल्दी से फाइट करनी होगी और वो युआन की तरफ और तेजी से दौड़ने लगता है। तो साले पहले से ही दौड़ ले, ये क्या पहले पैसेंजर ट्रेन की तरह दौड़ रहा था फिर स्लीपर ट्रेन की तरह दौड़ रहा है या बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लग गया। हालांकि ये बात थी कि वो युआन से जल्दी से लड़ना चाहता था लेकिन ये दूसरी बात थी कि क्या वो इस बार फाइट को जीत सकता था। उसने पाया था कि युआन के साथ फाइट करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि उसने अभी भी अपने किसी भी स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कार्ड को शो नहीं किया लेकिन वो ये भी जानता था कि जो युआन के लिए भी यही सच है, उसने भी अभी अपने ट्रम्प कार्ड का यूज़ नहीं किया है। साथ ही दोनों लोगों को अब तक फाइट में कोई भी आपत्ति नहीं थी बल्कि ये लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक बार जब आप अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरे बंदे को मारने में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब है जो मारा जाएगा वो वही पर्सन होगा जिसका ट्रम्प कार्ड फेल हो गया। लेकिन अब युआन भाई इस टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता था, एक बार अगर उसकी सोल पावर ब्रेक हो गई तो उसके पास उसका ट्रम्प कार्ड यूज़ करने का मौका नहीं हो सकता था। इसीलिए युआन भाई तुरंत ही पीछे की तरफ हटता और उसके हाथ में ब्लड कलर की एक पिल दिखाई देती है। जैसे ही पिल बाहर आती है आसपास के पूरे ही जगह पर अंधेरा हो गया होता है और ब्लड की तेज स्मेल भर गई होती है जिसे देखा जा सकता था कि इस पिल के अंदर की जो ईविल सोल है वो इतनी खतरनाक लेवल पर है कि किसी की भी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर सकती थी।
जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है डैमेड ब्लड 10,000 ड्राई पिल्स, और ऐसा कहते वो सीधा उस पिल को सेलो कर लेता है। और युआन भाई की फिगर अचानक ही हिलने लगती है और उसकी बॉडी से मंजूलिका की तरह ब्लड एनर्जी रिलीज होने लगती है, बाल बिखर गए होते हैं, उसकी बॉडी के आसपास अनगिनत ब्लड एनर्जी कंडेंस होने लगती है, साथ ही उसकी शक्ल और सूरत में भी जमीन आसमान का बदलाव आया था। मैं कह रहा हूँ ना, वो मंजूलिका की तरह दिखने लग गया था। उसकी आंखें जो पहले बहुत सुंदर थी वो अब बहुत बुरी हो गई होती है। माथे पर दो सींग निकल आए थे, सींग निकल आए तो अब चेंज करते हैं, ये यमराज के भैंसे की तरह लग रहा था। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है इस पिल में एशियन डेमन क्लेन के एंसेस्टर्स का ब्लड एसेंस और ब्लड शामिल है, ये मेरी पार को एक अलग लेवल तक बढ़ा सकता है और ये मेरे ट्रम्प कार्ड में से एक है जिसका यूज मैं केवल तभी करता हूँ जब मैं किसी सिक्स स्टार फाइटिंग गॉड जैसे अनबीटेबल पर्सन से मिलता हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसका यूज मुझे आप जैसे चीटी जैसे वॉरियर के सामने करना होगा। मुझे आज कहना होगा कि आपकी यह हार आपके एंसेस्टर्स को आप पर प्राउड फील कराएगी। जो देखे जो कहता ओह दैट्स ग्रेट, भाई देख भले मैं हार जाऊं पर मारा तू ही जाएगा। हालांकि जो ने फील किया था कि युआन भाई की बॉडी बदल गई थी और उसकी बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रहा था वो भी काफ़ी स्ट्रांग था, उसकी आंखें बिल्कुल डायमंड जैसी बदल गई होती है और जुआन को काफ़ी कोल्ड तरीके से घूम रही होती है, घूर रही होती है, और ये किसी की भी हार्ट बीट बढ़ा सकती थी, यहाँ तक कि जुआन को भी हल्का सा डर फील होता है। लेकिन फिर भी भाई अपना डर की भंड खड़ा था तो खड़ा है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आजकल कहते थे आ बैल मुझे मार, अपना ठरकिया कह रहा होता है बैल तू वही रुक मैं आ रहा हूँ फिर मुझे मार, मतलब भाई भाग ना, वो स्ट्रांग हो चुका है, ये अभी भी उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा है। तभी युआन भाई कहता है मैं जानता हूँ कि तुम डरे हुए हो। तभी जान कहता है ओए बुड़वक मैं नहीं तुम डरे हुए हो, और ये सच है कि तुम जानते हो कि अगर तुम इस ब्लड ड्राई पिल को स्वेलो नहीं करते तो तुम मेरे साथ कॉम्पिटिट भी नहीं कर सकते थे। जो देखकर युआन भाई कहता फाइट में ये सब ना होता, वैसे भी तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके मुझे हराना चाहते थे लेकिन अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, बस मौत का इंतजार करो चीटी। जैसे ही वो अपनी बात को कंप्लीट करता है युआन भाई की ब्लड फिगर सीधा ही लाइटिंग वोल्ट से भी 10 गुना ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ जो यान की तरफ दिखाई देती है और उसके हाथ की ब्लड स्रोत फुल पावर के साथ जॉन की बॉडी के आर पार जाने के लिए बढ़ गई होती है और एक चीख के साथ जॉन की बॉडी के अंदर चली भी गई होती है। साथ ही इस खतरनाक पावर ने जॉन की पूरी बॉडी को हिला डाला होता है और जॉन टूटे हुए स्टार सी के साथ पतंग की तरह पीछे की तरफ जाकर गिरता है। जॉन को उम्मीद नहीं थी कि युआन भाई की स्पीड इतनी बढ़ गई होगी। जॉन जल्दी से अपनी बॉडी को स्टेबल करता है और अपने पेट पर ब्लड होल को देखता है लेकिन तभी जो युआन के ब्लड होल को जॉन जैसे ही देखता है वो भर गया होता है क्योंकि चारों तरफ से सोर्स एनर्जी के साथ साथ लाइफ पावर भी आ रही थी जो जॉन की लाइफ पावर को तुरंत ही रिकवर कर रही होती है और 1,00,000 लोगों की लाइफ पावर काफ़ी थी भाई सुपर फास्ट स्पीड से मरम्मत करने के लिए। साथ ही 1,00,000 लोग चौंक गए होते क्योंकि उनकी लाइफ पावर जो यान द्वारा अब्जॉर्ब की जा रही थी। हालांकि ये चीज़ उन्हें थोड़ा सा डरा देती है लेकिन इतनी कम लाइफ पावर अभी भी एक्सेप्ट की जा सकती थी इसीलिए हर कोई शांत था लेकिन इसकी भी एक लिमिट और अगर इस लिमिट के ऊपर जुआन जाता तो फिर कोई भी शांत नहीं रह सकता था। साथ ही अब जुआन समझ गया होता कि अंगली जो फाइट है वो काफ़ी हार्ड डैमेज करने वाली है और ये बंदे भी जानते थे कि अगर जुआन ऐसे ही इंजर्ड होता रहा तो इनमें जो नुकसान होने वाला है वो उनका होने वाला है। साथ ही बेशक न केवल बे लोग हैरान थे बल्कि युआन भाई भी हैरान था क्योंकि चुआन युन सिटी में जुआन के साथ फाइट के दौरान युआन भाई जो युआन की टनल फायर के धब्बे की चपेट में आ गया था इसलिए उसे स्वाभाविक तौर पर महसूस हो रहा था कि उसकी एनर्जी भी अब्जॉर्ब हो रही है और लाइफ पावर का भी हिस्सा अब्जॉर्ब हो रहा है जिससे युआन भाई का चेहरा और भी ज़्यादा एम्बेरस हो गया होता है। और इस टाइम पर जुआन को दूर से देखकर उसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट होती है। उसे नहीं पता था कि जुआन ने कौन सा अजीब तरीका इस्तेमाल किया लेकिन इस तरीके को महसूस करके उसकी पीठ में उसे ठंडा पसीना महसूस होता है। वो तुरंत ही कहता है तुम्हें मर जाना चाहिए ब्लडी बास्टर्ड, ऐसा कहते हुए वो जोर से एक ट्रुअल बीस्ट की तरह रोर करता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी कांपते हुए ब्लड मिस्ट में बदल कर सीधा ही जो यान की तरफ दौड़ पड़ती है और अचानक ही उस पर बेहद खतरनाक दबाव जो यान की तरफ आ गया होता है जिससे जान को थोड़ा सा खतरा महसूस होता है लेकिन जॉन इस बार फुल फोकस होता है और उसकी आंखों में एक अलग ही ऑरा दिखाई देता है। जॉन तुरंत ही कहता है अब कोई रास्ता नहीं है, मैं पीछे नहीं हट सकता तो अब मुझे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ही होगा। जिसके बाद जॉन भाई आंख को मारता है और युआन भाई की चाल को प्रेडिक्ट करता है। वो दहाड़ती हुई युआन भाई की फिगर को स्लो मोशन में देख सकता था। जॉन ने देखा था कि उसकी जो ये टेक्निक है वो कोई स्पेशल या स्ट्रॉन्ग या कोई यूनिक टेक्निक नहीं है, बस वो जॉन को कुचलने के लिए अपनी पावर के एक्सट्रीम लेवल का यूज़ कर रहा था। तभी जान कहता है इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है इसीलिए एकमात्र तरीका केवल इसे रुकने दिया जाए
और जॉन का दिमाग तुरंत ही घूम जाता है और उसके फोरहेड के बीच में वाइट फ्लेम की तीन रेज दिखाई देती हैं और एक रेज जोयान की सोल में जाकर जोयान की पूरी बॉडी में फैल गई होती है और यह सेकंड एंसेस्टर द्वारा जॉन को दी गई वाई यान की तीन फ्लेम ब्रीद थी जो वाई यान की दुनिया में आए बिना वाई यान की कंप्लीट पावर को सो करने में जॉन की मदद कर सकती थी। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि वाई यान की ब्रीद का क्या असर होगा, लेकिन जॉन को पता था कि वाई यान की कंप्लीट पावर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कोई फाइटिंग गॉड रोक सके। हालांकि तभी एक उछाल के साथ जॉन की पूरी बॉडी हिल गई होती और चारों तरफ पूरी की पूरी जगह अंधेरे में विलुप्त हो चुकी होती है। हालांकि ये दिन के उजाले जैसा लग रहा था, यहाँ पे जो कोई भी था सब अपने होश को खो बैठे होते हैं। उनकी बॉडी और सोल एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही होती। बेशक इनमें युआन बाई भी शामिल था जो तेजी से रुक जाता है और फड़फड़ाने लगता है एक मछली की तरह जो पानी से बाहर आ गई हो। युआन बाई केवल अपने सिर और सोल के अंदर एक तेज रोर की आवाज सुन सकता था। उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो बेहोश हो गया हो। हालांकि युआन बाई जल्दी से जागता है, लेकिन अब यहाँ पे जो यान नहीं था जिसने उसे जगाया, बल्कि वो व्हाइट कलर के बिस्तर से घिरी हुई जगह को देखता है। युआन बाई को लगा कि उसे आंखों में चोट लगी है और सोल में बेहद चुभने वाला दर्द उसे हो रहा होता है। साथ ही युआन बाई की सबसे पहली रिएक्शन ये थी कि जो यान ने उसके स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ दिया है और अब वो शायद एल्यूजन में पड़ गया होगा। वो तुरंत ही कहता है, हाँ हाँ एल्यूजन, ऐसा लगता है आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये महज एक एल्यूजन ही तो है, आप अभी भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। युआन बाई को अभी भी नहीं पता चला था कि वो किस सिचुएशन में है और पोजीशन में है, इसीलिए वो तुरंत ही हंसते हुए इसे एल्यूजन समझ के इसे साइड कर देता है। दोस्तों जो युआन तो शांति से किनारे पर खड़ा हुआ होता है और कोई भी एक्शन लेने की जल्दबाजी में नहीं होता, क्योंकि युआन बाई अब कांटे में फंसी हुई मछली के जैसी थी जिसे जब चाहे वो तब मार सकता था। तो मार ना भाई मार। तभी युआन कहता हूँ, मैं वास्तव में क्यूरियस हूँ, फोर्थ योहानिस के पास और क्या क्या तरीके हैं, आइए इन पर एक नज़र डालते हैं, इन चीज़ों को रोक कर न रखें, हो सकता है कि आपको फ्यूचर में इनका मौका ना मिले। ऐसा कहते हुए जान स्माइल करता है और धीरे से कहता है। तभी युआन बाई तुरंत ही कहता है, स्पिरिचुअल मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए होली पिल, होली स्पिरिट पिल 9th रैंक। और अचानक उसके हाथ में एक लाइट चमकती है और पिल की एक तेज स्मेल चारों तरफ फैल जाती है। यह पिल ब्राइट ग्रीन कलर की होती है। दोस्तों जॉन जब इस पिल को देखता है तो अपने आप को आंखें सिकोड़ने से रोक नहीं सकता था, क्योंकि जॉन के प्रेजेंट टाइम के लेवल के साथ 9th रैंक की होली पिल जैसी पिल को रिफाइन करना ऑब्वियसली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसे हेवन अर्थ के बीच अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजर्स में से एक माना जा सकता था, लेकिन युआन बाई बिल्कुल भी संकोच नहीं करता और स्प्रिट डेमन एलिमिनेटर पिल को तुरंत ही मुंह में डालकर उसे निगल लेता है। जिसके बाद वो जॉन की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें पता है ये गोली हर एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एल्यूजन को ब्रेक कर सकती है, अब ये एल्यूजन मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं देखना चाहता हूँ कि आप किन तरकीबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जॉन अभी भी शांति से खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता और कुछ भी नहीं कहता। दोस्तों युआन बाई जॉन की तरफ देखता है जिसने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया था, तो वो हंसने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पे जो पसीना आ रहा था वो उसके दिल को साफ साफ दिल के अंदर के डर को दिखा रहा होता है, क्योंकि उसने अभी अभी एल्यूजन्स को ब्रेक करने वाली पिल स्वैलो की थी जिससे कोई भी एल्यूजन टूट जाएगा, लेकिन 10 साल से हो चुकी थी और आसपास के माहौल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। साथ ही युआन बाई की दिखावटी जो शांति थी वो जॉन की नज़र में केवल एक मजाक जैसी थी, और आखिरकार युआन बाई का चेहरा उदास हो जाता है, क्योंकि अगर ये एल्यूजन होता और इसे ब्रेक किया जा सकता तो ये बहुत पहले ही हो चुका होता। तभी जॉन मजे लेते हुए कहता, ओहो फोर्थ योहाइनेस क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि 9th रैंक का होली पिल वास्तव में काम नहीं कर रहा। और ऐसा कहते हुए युआन बाई को देखते हुए हंस रहा होता है। दोस्तों अब युआन बाई तो बुरी तरीके से कांपने लगा होता, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि हुआ क्या। वो तुरंत ही कहता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये किस तरीके का एल्यूजन है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एल्यूजन हो ही ना। उसी टाइम पे युआन बाई को अचानक ही अपने ऊपर फ्लेम के तीन ग्रुप दिखाई देते हैं जो शांत थे, जो कि कुछ टाइम पहले लड़ रहे थे। दोस्तों जब वो नीचे देखता है तो उसे दिखाई देता है 1,00,000 लोग जो जमीन पर गिरे हुए होते और दिखाई दे रहे होते जैसे वो सब डेड हो गए हो। वो तुरंत ही कहता है, अगर ये एल्यूजन नहीं है तो आसपास का माहौल ऐसा कैसे दिख सकता है, लेकिन मेरी पावर ये गायब नहीं हुई। युआन बाई चौंक गया होता है और उसके इंप्रेशन धीरे धीरे एरोगेंट हो रहे होते हैं। वो तुरंत ही कहता है, अगर ये एल्यूजन नहीं होता तो क्या ये बेहतर नहीं होता, क्या आपने मुझे धोखा दिया, अगर ये एल्यूजन नहीं है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कहते हुए उसकी फिगर अचानक ही हिल गई होती है और ओरिजिन क्वीन में ब्लास्ट होता है और वो जो युआन की तरफ दौड़ने लगता है। दोस्तों युआन बाई का सामना करते हुए जॉन उससे बिल्कुल भी डॉच नहीं करता और अपनी जगह पर शांति से खड़ा हुआ होता है। हालांकि जब युआन बाई जॉन के बिल्कुल क्लोज पहुंचने ही वाला था
कि तभी उसकी बॉडी अचानक ही स्टेबल हो गई होती है। हालांकि उसकी फिजिकल बॉडी तो रुक गई थी, लेकिन सोल बॉडी से बाहर आ जाती है और सीधा ही युआन की बॉडी के क्रॉस आ जाती है और उसके सभी अटैक बोन का यूज नहीं कर पाता। और जैसे युआन भाई पीछे की तरफ देखता है तो उसे अपनी बॉडी दिखाई देती है। तभी युआन भाई को महसूस होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि जैसे ही तभी युआन अपने हाथ को उठाता है और व्हाइट फ्लेम की लपटें आसमान से उठती हैं और युआन भाई की आंखों के सामने उसकी बॉडी को वो जलता हुआ देखता है। साथ ही जिस बात ने उसे खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया था वो चीज़ ये थी कि युआन ने उसकी बॉडी को जलाने के बाद उसकी स्टोरेज रिंग भी चुरा ली थी। भाई ये बंदा ये गंदा काम करना नहीं छोड़ेगा। अब युआन भाई जिसके पास केवल उसकी सोल बची हुई थी उसे नहीं पता था कि युआन ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब क्योंकि उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है मतलब वो हार गया था। और अगर अब युआन उसकी सोल पर अटैक करता है तो उसका मतलब है कि उसकी डायरेक्ट मौत। और यहाँ पे युआन भाई अब यहाँ से भागना चाहता था। अगर उसकी सोल स्पेस में एंटर हो सकती थी वो यहाँ से सीधे निकल सकता था, लेकिन अब युआन भाई ने अपनी सोल को थका दिया था और स्पेस को ओपन करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। साथ ही उसने फील किया था कि यह जगह एक अलग ही रिस्ट्रिक्शन से भरी हुई है जहाँ उसके पास स्पेस को ओपन करने के लिए बिल्कुल भी पावर नहीं, चाहे वो चाहता भी हो तो भी वो स्पेस को ओपन नहीं कर सकता था। हालांकि तभी युआन भाई उसी क्षण पीछे मुड़कर देखता है और ये टट्टू की इमॉर्टल बॉडी थी। भले ही टट्टू मर गया हो वो अभी भी एक इमॉर्टल था और अपनी पावर के साथ वो फाइटिंग गॉड लेवल पर होते हुए एक इमॉर्टल के स्पेस को कैसे क्रैक कर सकता था। तभी युआन सीधा ही घूमकर उसकी तरफ देखता है और युआन की सपाट नजरे युआन भाई के डरे हुए चेहरे पर पड़ती है। युआन भाई तुरंत ही कहता है, तुमने ऐसा कैसे किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, नहीं ये सच नहीं हो सकता। युआन भाई को पता था कि अब वो नहीं बच सकता, उसके पास भागने का भी रास्ता नहीं था, तो वो कम से कम ये चाहता था कि ये तो पता चले कि मैं मरा कैसे हूँ। तभी युआन कहता है, यार छोड़ो यार, क्या रखा है इन चीज़ों पे, उम्मीद करना अगली लाइफ तुम अच्छे से जियो। और इसके बाद युआन तुरंत ही अपना वन ट्रेजर किल निकालता है और तुरंत ही युआन भाई की सोल को उसके अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। इस समय इस ट्रेजर के अंदर पहले से ही 8 आइस ओपन हो चुकी थी जो कि लगातार सोल्स को अब्सॉर्ब करने के कारण थी। तभी युआन कहता है, ये है 9 आई ऑफ डिवाइन लॉकी, यानी 1 ट्रेजर किल, पर ने इसका नाम ही रख दिया भाई। तभी युआन भाई कहता है, 9 डिवाइन आई ट्रेजर, वो चौंक गया होता है जो देखकर युआन तुरंत ही कहता है, ओह तो क्या आप इसे पहचानते हैं। यह पहली बार था जब युआन ने इसका नाम सुना, लेकिन ये इसके अटैक से मिलता जुलता था। तभी युआन भाई तुरंत ही कहता है, तुम्हारे पास ऐसी मैजिकल चीज कैसे आई। युआन भाई कांप उठा होता है, मानो इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो मर भी गया तो ये मरना अपमान नहीं होगा। तभी युआन कहता है, देखो यार जो भी है जो भी तुम जानते हो, तुम एक काम करो, ये इसी के अंदर जाकर इससे पूछ लेना। अब मैं तुम्हें नहीं बताने वाला ये मुझे कहाँ मिली, बहुत लंबी कहानी है। और इतना कहने के बाद युआन सीधे ही उसे आगे की तरफ बढ़ा देता है और युआन भाई पीछे की तरफ भागना चाहता था, रुकना चाहता था, लेकिन नहीं भाई नहीं भाग सकता था। तभी युआन भाई कहता है, हालांकि मैं मर चुका हूँ पर आप भी बेनकाब हो गए हैं, फाइटिंग गॉड अलायंस आपको जाने नहीं देगा। और जैसे युआन भाई की सोल को सैल्यूट किया जाता है वो तुरंत ही आखिरी वर्ड कहता है। तभी युआन कहता है, बैड लक, मैं वैसे भी फाइटिंग गॉड अलायंस को भी नहीं छोड़ने वाला। और इससे पहले कि युआन भाई कुछ कह पाता उसकी सोल गायब हो चुकी थी, जिसके बाद युआन इस लॉकी के अंदर की 8 खतरनाक आंखों को देखता है और युआन भाई की सोल को अब्सॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे इसमें 9th आई भी ओपन हो गई थी, जो देखकर युआन कहता है, ऐसा लगता है कि पैट्रियार्ट कैंगमांग द्वारा दिया गया ये ट्रेजर वाइन रखने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि इसका यूज मेरी उम्मीद से भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। लगता है मुझे कुछ टाइम देकर इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। चमन चूतिया इंसान, झान लाओ के पास जाओ और उससे पूछ लो। हालांकि अभी भी जॉन का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक और चीज़ थी जिसे उसे अभी खत्म करना था, जिसके बाद जॉन खोपड़ी की झोपड़ी गोड़ा कर 3 फ्लेम्स को देखता है। हालांकि भाई यानो इटर्नल फायर एक साथ इस फ्लेम को पूरी तरीके से सप्रेस कर रही थी, लेकिन ये फ्लेम अभी भी पूरी तरीके से सप्रेस नहीं थी। तभी जॉन कहता है, भाई यान इटर्नल फायर वापस आओ और मुझे अपनी पावर दो और मुझे इसे सप्रेस करने दो। बहन का घोड़ा एक 5-स्टार फाइटिंग गॉड को नहीं मार पा रहा था, इटर्नल फायर और वायन की फायर की पावर का यूज करके डेमोनिक फ्लेम को मारेगा। राइटर उड़ता हुआ एरोप्लेन घुसेड़ दूंगा तेरे ऊपर मैं, उल्टी सीधी इमेजिनेशन घुसेड़ रहा है। जॉन की आवाज जैसे ही निकलती है ऐसा लगता है जैसे जॉन ने काफी आसानी से युआन भाई को मार दिया और वो विफल चिल हो। हालांकि जॉन ने वायन की 3 ब्रीथ्स का यूज किया था, जो कि ऑब्वियसली एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था जिसका यूज 5-स्टार फाइटिंग गॉड के लिए किसी भी तरीके से किया जाए, यह सिर्फ वेस्ट ऑफ पावर थी। दूसरे भाई यान इटर्नल फायर को जैसे ही जॉन का ऑर्डर मिलता है वो बिना किसी हिचकिचाहट के फ्लेम को छोड़कर सीधे जॉन की बॉडी में लौट आई होती है। तभी डेमोनिक फ्लेम तुरंत ही कहती है, लड़के तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे अपनी बॉडी की फ्लेम को दे दो। और याओ यान जो यान की तरफ गुस्से से देखती है,
हालांकि टंडल फायर वाया ने उसे पूरी तरीके से सप्रेस नहीं किया था, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए जीतना भी इम्पॉसिबल बना दिया था। तभी यान कहता है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी बॉडी की थर्ड हार्ट फ्लेम बनना चाहेंगी। जॉन सीधा उसे अपने मोटिव को बनाता है। तभी डेमोनिक फ्लेम तुरंत ही कहती है, हालांकि मुझे नहीं पता कि वायान और टनल फायर ने आपको कैसे चूज किया और खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन आपको ये जानना होगा कि सेनेक्सी वर्ल्ड में जब वो पर्सन मर जाएगा तो फिर उसके जैसी कोई भी दूसरी प्रेजेंस नहीं होगी। साथ ही इस टाइम पे याओ यान का जो लुक था वो काफी खतरनाक था। तभी यान कहता, ओह कौन? जो देखकर वो तुरंत ही कहती है, वो एक पर्सन जो एक ऐसे लेवल तक पहुंच गया था जो बहुत स्ट्रांग था। आपको उसके बारे में जानना चाहिए। मैंने तब उसकी मदद की थी और वो सेनेक्सी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग पर्सन था, योर हाइनेस। याओ यान की जो आवाज थी वो थोड़ा सा पोलाइट और गुस्से से भरी हुई होती है, जैसे कि वो एशियन टाइम को देख रहा हो किसी ड्रीम की तरह। तभी जान कहता है, वो तो मैं ही हूँ, और जान फुल दबंग तरीके से कहता है। तभी याओ यान तुरंत ही कहती है, क्या आप जानते हैं कि योर हाइनेस कौन है? साथ ही जान की तरफ बात करते हो वो काफी ज्यादा एरोगेंट होती है, लेकिन जैसे ही जान ने यह कहा होता है, याओ यान की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई होती है। वो तुरंत ही कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप यो हाइनेस होने का दिखावा करते हैं, क्या आप मरना चाहते हैं? भाई कुछ भी हो, मास्टर से गुस्सा हो सकती है फ्लेम, लेकिन कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा आकर कह दे कि मैं मास्टर हूँ तुम्हारा, फ्लेम को तो बुरा लगेगा ही कि जा बे चूतिया है। 4 स्टार की पावर रख के कहता है, मास्टर हूँ। वो ऑब्वियसली यो हाइनेस की वर्शिप करती थी, और ऑब्वियसली अगर उसने पास्ट में यो हाइनेस की मदद की थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसे फिर से यो हाइनेस की मदद करनी चाहिए। दूसरा जान उसके साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। साथ ही अभी वाइयान की ब्रीथ अटैक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली वाइयान की ब्रीथ पावर के साथ ये डेमोनिक फ्लेम अभी भी कुछ खतरा पैदा करने में कैपेबल हो सकती थी। इसलिए जॉन तुरंत ही आगे बढ़ता है और व्हाइट फ्लेम और इटर्नल फायर को शो करता है, जिसके कारण यो यान की बॉडी का आधा पार्ट ब्लैक होता है और आधा पार्ट व्हाइट, जो देखकर याओ यान चौंक गई होती है। तभी याओ यान तुरंत ही कहती है, ये तो, और अचानक याओ यान जॉन को ऐसा आता हुआ देखकर चौंक गई होती है, जैसे वास्तव में उसकी मेमोरी में उसे अपने मास्टर की लास्ट प्रेजेंस फील हो रही हो। तभी वो तुरंत ही कहती है, वो हाफ गॉड हाफ डेमन। हालांकि वो अभी भी इसे याद कर ही रहा था कि तभी जॉन का पंच सीधा ही उसे पड़ता है और इटर्नल फायर सीधा ही उसी के साथ बढ़ती है। भाई यान और इटर्नल फायर की कंबाइंड पावर और जो यान के अच्छे सपोर्ट के साथ ऑब्वियसली ये पावर एक्सट्रीम लेवल पर शो हो रही थी। साथ ही लेकिन ये उसे चोट पहुंचाने में कैपेबल नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस टाइम पे जो चीज यूज हो रही थी वो भाई यान और इटर्नल फायर की सोर्स पावर थी, जो कि 10 डेमोनिक फ्लेम को सप्रेस करने के लिए थी। साथ ही इस डेमोनिक फ्लेम के करीब जाने के बाद जो यान की बॉडी कभी भी डेमोनिक फ्लेम की खतरनाक बेचैनी को फील करने से बाहर नहीं आ पाती। साथ ही जॉन की बॉडी की जो अंदर की फ्लेम होती है उसे ये फ्लेम अपनी तरफ खींच रही होती है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ। हालांकि भाई यान और इटर्नल फायर ने उसे दबा दिया था, लेकिन वो कब तक इसे सप्रेस रख सकते थे ये अभी भी अननोन था। साथ ही इस अटैक के साथ जो यान ने भी महसूस किया था कि इटर्नल फायर और भाई यान ने क्या कहा था कि इस फ्लेम के अंदर एक अजीब सी एनर्जी है, और जॉन भी महसूस कर सकता था ब्लैक एनर्जी की एक रेस को जो बहुत अजीब थी और जिससे एक अजीब सा एहसास जॉन को फील हो रहा होता है। लेकिन जॉन को ऐसा लगता है कि जैसे यह एहसास उसे पहले भी महसूस हुआ हो। जॉन तुरंत ही कहता है, हाँ, यह फीलिंग डिवाइन पनिशमेंट लैंड से आती है, यह सेनेक्सी वर्ल्ड से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की ब्रीथ है। सेनेक्सी वर्ल्ड के एसेंस को छूने की हिम्मत आखिरकार किसने की? जॉन तुरंत ही वो चढ़ा लेता है। हालांकि ऐसी कई चीजें थी जो जॉन नहीं जानता था, लेकिन डिवाइन पनिशमेंट लैंड से बाहर आने के बाद जॉन कुछ अंदाजा लगाने में कैपेबल था कि जिन लोगों ने ग्रेट वर्ल्ड पर अटैक किया था और उसके रिसोर्सेस को छीन लिया था और उस पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिसोर्सेस लेस कर दिया था, जिससे वो जगह डिस्ट्रक्शन में पहुंच गई थी। जॉन तुरंत कहता है, क्या ये वो हो सकता है या नहीं? इसमें कोई भी लाइफ में नहीं, लेकिन ये एक पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। क्या ये कोई वर्ल्ड की पावर हो सकती है या कोई सोर्स लाइफ जो इस पावर को बनाए रखती है? जॉन की हार्टबीट तेजी से धड़क रही होती है। जॉन समझ गया होता है कि सेनेक्सी वर्ल्ड के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा और इन लोगों ने चुपचाप अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि जॉन निश्चित नहीं था, लेकिन ये ब्लैक एनर्जी का जो टुकड़ा था ये वही होना चाहिए, लेकिन ये हाँ है या नहीं, जॉन केवल इसे एशियन टेम्पल में ले जा सकता था और उसे बताने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि इसके लिए जरूरी था कि 10 डेमोनिक फ्लेम पर कंप्लीट तौर पर जॉन को जीत हासिल करनी होगी। अगर ये वास्तव में दूसरी दुनिया का वो ब्लैक वाला ही है ना, तो जो यान भी इसे नहीं हरा सकता फिर तो। ये तो जॉन को दौड़ा दौड़ा के मारेगा, क्योंकि वो लोग भाई एक अलग ही लेवल के बंदे हैं। सोचो, जो लोग ओरिजिन गॉड क्लोन के पूरे क्लेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके सामने जो यान की औकात ही क्या है अभी के टाइम पे। बाद के टाइम पे तो जो यान दौड़ा दौड़ा के मारेगा। सतीश टाइम पे जो यान द्वारा अटैक किए जाने के बाद ये फ्लेम भी गुस्सा हो गई होती है और सीधा ही जो यान के ऊपर अटैक करते हो कहती, क्योंकि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरे ह्यूमन तरीके से ही हराऊंगा।
साथ ही उसकी आवाज़ काफ़ी डीप होती है और जैसे ही वो बोलना समाप्त करती है वो आग की फ्लेम में नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर में बदलकर जॉन के ऊपर अटैक करती है, जो देखकर जॉन की आंखें सिकुड़ गई होती हैं। जॉन ने देखा था इसने किसी अजीब चीज़ का यूज़ नहीं किया, वो केवल एक फ्लेम है। साथ ही ये फ्लेम को अगर कोई हरा सकता है तो वाई या नॉर इटर्नल फायर ही है। वो केवल उन दोनों की पावर का यूज़ करके इसके खिलाफ फाइट कर सकता है। साथ ही इस टाइम पे वाईयान की ब्रीथ पावर खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए वाईयान अपनी ट्रू पावर को शो करती है और इटर्नल फायर की पावर को क्रॉस करके डेमोनिक फ्लेम के ऊपर अटैक करने लगती है। जॉन भी बिल्कुल पीछे नहीं हटता और तुरंत ही कहता है व्हाइट फ्लेम लाइट रिलीज, और एक पल में एक तेज धमाका होता है और पूरा एरिया व्हाइट फ्लेम से कवर हो गया होता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि ये यूजफुल होगा या नहीं, लेकिन यहाँ पे वाईयान की ब्रीथ के कारण पावर ऑब्वियसली एक्सट्रीम लेवल पर थी और इमॉर्टल फायर के साथ ऑब्वियसली जॉन यहाँ पे हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अगले ही पल धधकती हुई फ्लेमें एक पंच के साथ सीधा ही जॉन के चेहरे के सामने आ गई होती है और जॉन की बॉडी पर अटैक करती हैं, जिससे जॉन के चेहरे पर हल्का सा जलन का दर्द होता है। लेकिन इटर्नल फायर तुरंत ही 1,00,000 लोगों की लाइफ पावर का अब्सॉर्ब करके जॉन को तुरंत ही ठीक कर देती है। और इसके बाद जॉन अपने पंच को हिलाते हुए अपनी आंखों को सहलाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा था, जिसके बाद जॉन कहता है क्योंकि व्हाइट फ्लेम लाइट अब यूज नहीं हो पा रही यहाँ, तो चलिए आपके साथ फाइट करने के लिए मुकलाकात और मुक्कालात का यूज करते हैं। जिसके बाद जॉन एक के बाद एक आफ्टर इमेज में बदलता हुआ सीधा ही फ्लेम के लेफ्ट राइट टांगे पीछे ऊपर नीचे व्हाइट फ्लेम और इटर्नल फायर से फाइट करने लगता है। दूसरा भी आवयान तो जॉन को देखकर हंस रहा होता है और दोनों के पंचे से एक दूसरे पर बरस रहे होते हैं और फ्लेम सी चारों तरफ बिखर रहा होता है। साथ ही ब्लास्ट की आवाजें चारों तरफ छिड़ गई होती हैं। हालांकि ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती और आवयान की बॉडी में एक ब्लैक एनर्जी कंडेंस हो रही थी, जिससे जॉन को अचानक ही कुछ खतरा फील होता है। और भले ही जॉन ने आवयान से खुद को दूर कर लिया था, वो आवयान की उदास आंखों को देखता है तो जॉन को महसूस होती है एक ब्लैक कोल्ड किलिंग इंटेंट एनर्जी। ये ब्लैक एनर्जी यावयान की बॉडी से अलग हो जाती है और एक ह्यूमन बॉडी में कंडेंस हो जाती है। और उसके बाद वो ब्लैक फ्लेम को देखते हुए तुरंत ही कहती है मैं उसका ख्याल रखूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। और इतना कहने के बाद वो ब्लैक शैडो सीधा ही अपने हाथ को घुमाते हुए उल्टे हाथ से यावयान को एक थप्पड़ मारती है और ये फ्लेम मुड़ता हुआ बहुत दूर तक जाकर गिरती है, जिसके बाद ये ब्लैक शैडो सीधा ही अपनी शक्ल घुमाकर जॉन की तरफ देखती है, जिसमें केवल एक जोड़ी आंखें थी और उसके चेहरे पे जो भी इंप्रेशन थे सभी धुंधले। साथ ही किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन द्वारा कंडेंस किए गए स्पिरिट क्लोन की तरह लग रहा था। वो जॉन को देखता है तो जॉन को लाइफ और डेथ फील होने लगती है। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानी दुश्मन जॉन को घूर रहा हो। तभी जॉन की दोनों फ्लेमें तुरंत ही कहती हैं इस ब्लैक एनर्जी के साथ कुछ तो गड़बड़ है मास्टर, और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए इसके साथ लाइफ डेथ का बैटल करना बेवकूफ़ी होगी। एक काम करते हैं यहाँ से भाग लेते हैं, ये बहुत पावरफुल है, आपने तो देखा ही है डेमोनिक फ्लेम के साथ हमारी लाइट फाइट इसीलिए कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि ये इसकी मदद कर रही थी। तभी जॉन उस किलिंग इंटेंट और से ब्लैक एनर्जी को देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है क्या आपको लगता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं और बच सकते हैं। हालांकि भाई यार इटर्नल फायर ने भले ही इस पावर के बारे में बात ना की हो, लेकिन जॉन ये समझता था कि उसके सामने की ब्लैक शैडो ऐसा कुछ नहीं थी जिससे वो आसानी से निपट सकता था। हालांकि भले ही जॉन डेमन फ्लेम के अंदर इसकी पावर का पता नहीं लगा सकता था, लेकिन अब जब जॉन ने उसके ऑरे को फील कर लिया था तो वो समझ गया था कि अब भागने में देर हो चुकी है। तभी दूर से ब्लैक शैडो सीधे जॉन की तरफ हाथ बढ़ाती है और एक धमाके के साथ ब्लैक एनर्जी उसकी हथेली से होते हुए जॉन को घेर लेती है। तो बहन का घोड़ा वो बंदा कहाँ गया जो जॉन के ओरिजिन किंग को यहाँ से ले गया था? इस चूतिया सी ब्लैक एनर्जी को क्यों नहीं रोक पा रहा? वो मरवा रहा है अपनी, ये तो दोगलापन है भाई थ्रियन फैमिली यार। ये बंदा सीधा ही जॉन की तरफ अपनी हथेली को निकालता है और एक अजीब सी पावर जॉन को घेर लेती है और तुरंत ही जॉन पीछे की तरफ जाता है। हालांकि जॉन आगे की तरफ बढ़ने वाला होता है लेकिन जॉन फील करता है कि उसकी बॉडी मूवमेंट करने में कैपेबल नहीं है और एक पावरफुल प्रेशर उसे रोक रहा है। तभी वाईयान और इटर्नल फायर जॉन की बॉडी से तुरंत ही अलग हो जाती हैं और बिना किसी ऑर्डर के सामने अटैक कर देती है क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रुकी तो यह बंदा जॉन को निश्चित तौर पर मार देगा। हालांकि वाईयान और इटर्नल फायर दोनों ही फ्लेम बॉल में बदलकर जॉन को बचाने लगती हैं और ब्लैक एनर्जी के खिलाफ लड़ने लगती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें पता था कि वो दोनों हार्ट ऑफ फ्लेम भले हैं, उनका एसेंस सभी जॉन की पावर से इफेक्टेड है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग जॉन होगा वे उतने ही स्ट्रॉन्ग होगी और जितना वीक जॉन होगा ऑब्वियसली उनके पास से जॉन को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसलिए इस टाइम पे ब्लैक शैडो से लड़ना इम्पॉसिबल था, इसलिए 5-7 सौ के बाद ये ब्लैक एनर्जी उन्हें घेर लेती है और उनकी बॉल को तोड़ते हुए वो सीधा ही जॉन की तरफ बढ़ने लगती है। साथ ही जॉन इस सिचुएशन का सामना करने में कैपेबल नहीं था। तभी जॉन कहता है मुझे डर है कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक ही मात्र चीज है गोल्डन मिस्टीरियस टावर। हालांकि फाइटिंग गॉड पर पहुंचने के बाद जॉन अपने थॉट के साथ गोल्डन टावर को नहीं बुला सकता है, लेकिन फिर भी जॉन ट्राई करता है और गोल्डन टावर को ट्राई करता है कॉल करने के, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हालांकि तभी ब्लैक फ्लेम व्हाइट फ्लेम और इटर्नल फायर एक साथ इंटर होकर जॉन के सामने कंडेंस हो जाती हैं और एक ब्लैक शैडो में बदल गई होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसे सामने की ब्लैक शैडो के करीब जाकर भी उसके इंप्रेशन नहीं देख सकते थे,
आप केवल एक जोड़ी आंखें देख सकते थे जो केवल जोयान को घूर रही होती हैं। तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं। ये पता नहीं कौन चमन चूतिया इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में मरवाएंगे या कि फिर जोयान इससे पिटेगा, जो कुछ भी होगा नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। ऐसी की तैसी इसकी। गुड नाइट।